हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं अलीगढ़। अलीगढ़ जाना है हम लोगों को क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, उनको हो रखा है डेंगू। यहाँ हम लोग अलीगढ़ पहुँच के ना एक स्कूल है वहाँ पर रुके थे, गाड़ी खड़ी की थी, थोड़ा सा काम था इसलिए। तो आर बिग वैश्यू और पापा जी हमारे साथ जा रहे हैं घर पर क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पलवल में ही थे हमारे साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अलीगढ़ जवां जहाँ की मेरा मायका है, और यहाँ आर बी वैश्यू खेल रहे थे तो मैं अभी उनको ही दिखा रही हूँ क्योंकि गाड़ी से निकलने के बाद ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग 2 दिन में पहुंच पाए अलीगढ़। वो कैसे वो मैं आपको बता दूँ। तो ये देखो, ये पहला दिन था, फिर ये हम एक दिन छोड़ के दूसरे दिन दोबारा से निकले क्योंकि जब हम पहले दिन गए थे तो मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। हम बस कोई वहाँ 15 से 20 मिनट बैठे होंगे और वापस आ गए, वहाँ मैं शूट नहीं कर पाई थी। फिर हम लोग घर आए तो घर पे दूसरे दिन रेनू भी आ गई थी, तो फिर रेनू के साथ निकले, साथ में पापा जी को भी लेके गए थे। इस बार उन्हें घर पे छोड़ना था क्योंकि उनकी दवाई वगैरह डॉक्टर ने सारी दे रखी थी, तो पापा जी को भी वहीं घर पे छोड़ के आएंगे। और अचानक से हुआ इस दिन भी ऐसा कि वरुण की स्टैंड बाई ड्यूटी लगी हुई थी, उनकी कोई फ़्लाइट नहीं थी। बट उसके बाद जैसे ही हम घर पे पहुंचते, मम्मी के पास फिर से मैं 10 मिनट बैठी, फिर हम रामपुर चले गए थे रेनू के घर। तो रास्ते में पहले आर्विक को ये बलून वाला दिखा तो इसको बलून दिलवाए थे, फिर उसके बाद इनका रोस्टर आ जाता है और जल्दी से हमें घर भागना पड़ता है। रात के 11 बजे फिर से हम घर भाग गए। इस तरीके से हम लोग रुकने के लिए गए थे और रुक भी नहीं पाए तो बड़ा ही बुरा लगा। पर अच्छी बात ये हुई कि चलो मम्मी को तो देख लिया क्योंकि मम्मी की तबीयत सही नहीं थी। और अभी मैं अपनी इस छोटे से ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।